बुनियादी शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश आगरा के नेता मुकेश दागुर ने लगाए शिक्षा अधिकारियों पर आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वतंत्र भारत के स्वस्थ लोकतंत्र में अंग्रेजों की दमनकारी नीति का कोई स्थान नहीं। ये लोकशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार के पोषण के लिए लोकमत की आवाज को दमन चक्र से नहीं दबाया जा सकता है। के माध्यम से कि वो किसी बहम में न रहे, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। किसी की तानाशाही और किसी की मर्जी से देश नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है और यहाँ लोकमत ही सर्वमान्य है। लोकमत को सुनना पड़ेगा, लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इस देश में जनता की आवाज को दबा नहीं सकता। मैं बीएसए को संदेश देना चाहता हूँ, उन्हें जितनी निलंबन करने हो कर दें। यहाँ सैकड़ों लोग हैं, अभी तुमने 13 किए हैं। अगर तुम वास्तव में अपने आप को बीएसए कहते हो, तुम्हें चुनौती देता हूँ, इन सैकड़ों लोगों को निलंबित करके दिखाओ। हम यही खड़े हैं और निलंबित होने के लिए खड़े हैं। अहंकार की हद होती है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा है और इसका पोषण बीएसए कर रहा है, वो चोर है, इसलिए हमारे बीच में नहीं आ रहा। शिक्षा शर्म होती, उसमें जरा सी भी हया होती तो उसको समझ में आता कि यहाँ सैकड़ों शिक्षक, आज उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। इस देश के भविष्य की चिंता करने वालों को समझना पड़ेगा, जिस देश में शिक्षकों को गिरफ्तारी देनी पड़ रही हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा। ये हम लोगों को बहुत चिंता का विषय है। भ्रष्टाचारियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल इनको इनके पापों की सजा मिलेगी और हम लोग आने वाले समय में पूरे जनपद में दौड़ दौड़ कर पूरे 10,000 शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे और यही आएंगे और फिर दोबारा गिरफ्तारी देंगे।